मुझे लगता है कांग्रेस के पास जब दिखाने के लिए कुछ नहीं, कहने के लिए कुछ नहीं, भविष्य के लिए उनके पास कोई विचार नहीं, तो वही कांग्रेस जिसने बाबा साहब अंबेडकर की एक बार नहीं अनेक बार अपमानित किया, पार्टी से बाहर किया, चुनाव हरवाए और बाबा साहब के दिए संविधान को 62 बार संशोधन करने का काम कांग्रेस ने किया और नेहरू गांधी परिवार ने किया। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है कि क्या जब 17 बार पंडित नेहरू ने, 33 बार इंदिरा गांधी जी ने इस तरह से करके संशोधन करते गए और अभी 7 बार तो मनमोहन सिंह जी के समय भी हुआ, तो 62 बार संशोधन जो कांग्रेस ने किया वो क्या सोचकर किया था? ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, मोदी जी ने संसद भवन में जिस दिन पहले दिन प्रवेश किया अपना शीश संविधान के आगे झुकाकर कहा था सबका साथ सबका विकास करेंगे। हमने डॉक्टर अंबेडकर के जन्मस्थली, दीक्षा स्थली, शिक्षा स्थली ऐसे सभी पर पंच तीर्थ बनाकर दिया है, चाहे वो मऊ हो, नागपुर हो, मुंबई हो, इंग्लैंड हो या दिल्ली हो। मोदी सरकार है जिसने संविधान दिवस भी मनाया और बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिवस पर छुट्टी भी घोषित की। अनेकों उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर के लिए जो मान सम्मान नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया वो शायद ही पहले किसने दिया। कांग्रेस ने तो कभी भारत रत्न भी नहीं दिया, ये तो कांग्रेस की सरकार गई तब जाकर बाबा साहब को सम्मान मिल पाया।